मैंने कयामत को तो नहीं देखा, लेकिन उसे मुस्कुराते हुए देखा है। तानिया, जब से तुम मुझसे मिली हो ना, मुझे जिंदगी जीने का मकसद मिल गया है। मैं चाहता हूँ कि डेली डेली ऑफिस ना जाऊँ, ये फालतू की मीटिंग्स अटेंड नहीं करना चाहता हूँ, और ये रोज़ रोज़ तुमसे दूर होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई विश हम दोनों हमेशा ऐसे ही इतने पास और साथ रहे। तानिया, प्रॉमिस मी यू नेवर लीव मी अलोन। आई प्रॉमिस यू रोहन कि हम हमेशा ऐसे ही साथ और ऐसे ही पास रहेंगे। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया, नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है जाने क्यों धड़का ही नहीं है तब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। रो क्यों रहे हो तुम? मैं तुम्हें बोला था ना कि हमेशा खुश रहना, तो फिर इतना उदास क्यों हो तुम? तुमने भी तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगी, तो फिर तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? जरूरी नहीं है रोहन कि किया हुआ हर वादा निभाया जाए, क्योंकि क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और तुम अकेले नहीं हो। मैं तुमसे दूर बेशक हूं, लेकिन हमेशा तुम्हारे पास हूं। कतरा कतरा जी रहा हूं, लम्हा लम्हा मर रहा हूं, कैसे खुद को मैं संभालूं तू बता, तेरे बिन है सोना सोना मेरे दिल का कोना कोना, तू क्या जाने कैसे तूने दिन जिया। यार ये पैंट क्यों नहीं मिल रही ऑफिस की, लेट हो रहा हूं। अरे तानिया, मेरी ऑफिस की पैंट नहीं मिल रही है यार, ढूंढ दो ना, अब क्या ऑफिस नंगा जाऊं? ये लो तुम्हारी पैंट, ध्यान से देखा करो ना। यार सच में मैंने अच्छे से ढूंढी, मुझे तो मिली ही नहीं। हाँ अब किसी दिन इस पैंट की तरह मुझे भी मत भूल जाना कि तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम्हें दिखूं भी ना। तानिया, मैं कबर्ड में अपनी पैंट भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। बस बस बहुत हुआ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, पैंट पहनो और निकलो।
अबे क्या कर रहा है, चलना चाय सोटा पी के आते हैं। बस दो मिनट रुक जा, एक इम्पोर्टेंट मेल कर दो फिर चलते हैं। ले हो गई, चल। अबे तिवारी कैसे तेरी शक्ल उतरी हुई है, किसने मार ली तेरी? अबे ये बोल किसने नहीं मार रखी यार, साला घर जाऊं तो घर वालों ने मार रखी है, ऑफिस जाऊं तो उस खड़ूस बॉस ने मार रखी है। वो तो अच्छा हो ना भाई, जिंदगी में ना कोई लड़की नहीं है वरना वो भी मार लेती है। अबे लड़की, लेकिन लड़की कैसे मार सकती है? क्योंकि रोहन भाई मेरी जिंदगी तेरी तरह नहीं है ना, लिविन में नहीं रहता ना मैं तेरी तरह, मैं तो घर वालों के साथ रहता हूँ, 24 घंटे गाली खाता हूँ। अबे 24 घंटे कहाँ से गाली खाता है तू, रात को ही तो घर जाता है, पूरे दिन तो यहीं ऑफिस में पड़ा रहता है। क्योंकि भाई मेरी गाली को भी तो शिफ्ट लगती है ना, रात में और सुबह सुबह मैं घर वालों से गाली खाता हूँ, फिर पूरा दिन ऑफिस में बॉस से गाली खाता हूँ। अच्छा संडे का दिन उसमें सोचता हूँ कि साला लड़की पड़ जाए, लेकिन नहीं मैं साला वहाँ भी गाली खाता हूँ। अबे यार तिवारी क्यों इतनी टेंशन लेता है, और वैसे भी जरूरी नहीं ना कि हर बंजर जमीन पे फसल हो गए, कहीं कहीं कूड़ेदान भी होते हैं। कूड़ेदान मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, चाय खत्म कर चलते हैं, लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए। हाय दीशु, कैसी है तू? मैं एकदम ठीक हूँ, तू बता कैसी है? हाँ मैं तो हमेशा की तरह परफेक्ट। अच्छा तूने वो ड्रेस ऑर्डर कर दी जो मैंने तुझे व्हाट्सएप की थी? ऑर्डर? मैंने ऑर्डर कर भी दी, मेरे पास तो एक दो दिनों में आ भी जाएगी। मैडम तेज मुझसे भी बिना बताए ऑर्डर कर दी। हाँ अच्छा ये सब छोड़, तू आने वाली थी ना मुझसे मिलने, दे दी ना फिर से गोली। अरे यार सोचा तो मैंने भी यही था, अब तुझे तो पता है ना कि घर पे कितने सारे काम होते हैं, तो बस उसी में इन्वॉल्व रहती हूँ आजकल। बाकी तो टेंशन मत ले, आती हूँ एक दो दिन में तेरे पास। और तू बता तेरा क्या चल रहा है? भाई यार ऑफिस के काम, इतना घूम फिर के रखा है ना ऑफिस वालों ने आजकल, क्या बताऊँ तुझे। एक वीक के लिए वर्क फ्रॉम होम लेने की सोच रही थी लेकिन मैनेजर। अच्छा दीशु यार बाद में बात करती हूँ तुझसे। क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस करती हूँ तुझसे बात। चल ठीक है। ठीक है ख्याल रखना अपना, बाय। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अरे कुछ नहीं, वो अचानक से तुम आ गए ना इसीलिए। तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बस वही ऑफिस का कामकाज, और तिवारी ने थोड़ी अपनी परेशानियां बताई, एक दो मीटिंग अटेंड की। बाय द वे तुम आज कहीं जाने वाली थी ना, तो तुम होकर आ गई? नहीं मेरा मन ही नहीं किया, तो सोच रही हूँ कल चली जाऊं। तो फिर मैं कल ऑफिस का ऑफ लूं या फिर तुम चली जाओगी? अरे नहीं नहीं तुम अपने ऑफिस पर ध्यान दो, मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है चली जाना। देखिए जो आपकी बीमारी है बहुत डेंजरस है, अगर आपको टाइम से दवाई नहीं मिली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इनफैक्ट आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। बाय द वे आपने इस बीमारी के बारे में किसी और को बताया? डॉक्टर मेहता आपको तो पता ही है ना कि मेरा इस दुनिया में रोहन के अलावा और कोई नहीं है, और फिर इस बीमारी ने मुझसे मेरे माँ बाप को भी छीन लिया, और अभी बीमारी
मेरा पीछा भी नहीं छोड़ रही है। तो आपने रोहन से इस बारे में डिस्कस किया? नहीं डॉक्टर, अभी तक मैंने उसे इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया है। और प्लीज़ आप भी उसे कुछ मत बताना। क्यों? क्योंकि रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है और आई एम वेरी श्योर कि जैसे ही मैं उसे इस बीमारी के बारे में बताऊंगी, वो अपना सारा काम छोड़कर मेरा ख्याल रखने लग जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अपना ऑफिस या और कोई काम छोड़कर मुझ पर ध्यान दे। ठीक है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इस बीमारी के बारे में रोहन से एक बार डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, बस आप रोहन को कुछ मत बताना। ओके, एज अ विश। हेलो। हाँ रोहन। हेलो तानिया, कहाँ हो तुम? मैं बस ऑफिस से निकल गया हूँ, तुम फ्री हो गई? हाँ मैं फ्री हो गई। अच्छा तो फिर मुझे बता दो तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। हाँ बस मैं डॉक्टर मेहता के क्लिनिक के पास ही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आया। ठीक है, ओके बाय। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तुम डॉक्टर मेहता के पास आई थी क्या? हाँ मैं डॉक्टर मेहता के क्लिनिक ही आई थी। क्यों? वो मुझे कुछ काम था उनसे। डॉक्टर मेहता से क्या काम था, सब कुछ ठीक है ना? अरे बाबा सब कुछ ठीक है, वो मेरे हेडेक होता था ना, बस इसी के लिए आई थी। तो फिर क्या बोला डॉक्टर मेहता ने? कुछ नहीं, बस कुछ मेडिसिन दी है, मुझे टाइम पे खानी है, बाकी सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। चलो ठीक है, फिर टाइम से मेडिसिन खाना और अपना ख्याल रखना। हाँ मैं अपना और तुम्हारा, हम दोनों का ख्याल रखूंगी। ठीक। ये ले, और कुछ चाहिए तो बता दियो, तिवारी वो भी ले आएगा। अरे नहीं यार, बस इतना ही काफी है। बाय द वे बिल्डिंग देख रहा है बॉस ने, क्या मस्त बिल्डिंग बनवाई है ना। हमें ये बिल्डिंग मैं यूं ही खरीद दूंगा, बेटा जिस दिन मेरी सनक गई ना, उस दिन बॉस की छाती में ऐसे दिए जलाऊंगा, साला 10,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अबे बस बस, इतनी भी मत पैक। हे एक नेरा बेटे, विकास तिवारी नाम है मेरा, इस बॉस को बेच के खा जाऊंगा। चल तेरी फेंका फाकी तो खत्म नहीं होगी, मैं घर निकलता हूँ। मैं तुम चल रहा था, चल तुझे घर छोड़ दूंगा। नहीं भाई, तेरी तरह 8 घंटे की शिफ्ट नहीं है ना मेरी, 12 घंटे की है। तू जा, 4 घंटे और मरवा के आ। चल ठीक है, बाय बाय। एक आह भरी होगी, हमने सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम,
उस वक्त कहाँ थे हो, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। रोहन, तुम्हें मेरी दवाई के बारे में कैसे पता चला? हे गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाला पार्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और ये भी बताना कि आपको पार्ट टू चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे हम बनाने वाले, लेकिन आप कमेंट करके बताओगे तो और एक्साइटमेंट बनेगी जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आया तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उस रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीक के लिए इतना ही, बाकी बहुत जल्द मिलेंगे सेकेंड एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू। प्लीज यार लाइक जरूर कर देना यार।